Hello friends, today we will discuss our new chapter coordinate geometry. This is the seven marks chapter. इस चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेट के बारे में मालूम पड़ेगा कि हाउ टू लोकेट कोऑर्डिनेट एंड हाउ टू फाइंड डिस्टेंस व्हाटएवर. हम इस चैप्टर के अंदर तीन मेन बेसिक फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड नंबर इज सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड नंबर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में. नंबर सेकंड पर प्रायोरिटी आती है सेक्शन फॉर्मूला की, नंबर थर्ड इज सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला. इन तीनों पर ही क्वेश्चंस अराइज होते हैं और ये पूरा चैप्टर इन तीनों पर ही डिपेंड है. सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस कि कौन सी डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो भी हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट से. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की. फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला. मेन मोटो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूले का, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझा देता हूं. सपोज करते हैं कि हमें दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. If you want to find out the distance between two coordinates, for example, a coordinate is x1, y1 and second coordinate b is x2, y2 and you need to find the distance between a and b, then you will apply distance formula. For example, agar hamare paas mein ek coordinate 2, 3 hai and coordinate b is -3, -8, in dono ke beech mein jo distance nikalni hai wo hum distance formula se find karenge. डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, किस तरह से ड्राइव होता है, हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे. सो ध्यान से आप देखिएगा वीडियो को. दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ x है, यहाँ x डैश है, ये y है और ये y डैश है. आप इसको माइनस x भी लिख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो राइट माइनस y. This is our origin, ये origin है. मान लेते हैं एक point है A, one point is A, x1 y1. ये point A है, x1 y1. यहाँ locate है. इस distance को आप x1 कहेंगे and this distance has called y1. ये A point जो है locate हुआ है x1 y1. It means ये जो distance है ये x1 है और ये जो distance है ये y1 है. और एक कोऑर्डिनेट मानते हैं कि बी, वी हैव वन मोर कोऑर्डिनेट बी दैट इज x2 y2. सो नाउ दिस डिस्टेंस हैज कॉल्ड x2 एंड दिस डिस्टेंस हैज कॉल्ड y2. हमें डिस्टेंस निकालनी है ए से बी तक की. ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस निकालनी हो, कैसे निकालना तो ध्यान से देखना. इसको यहां से ज्वाइन करते हैं और एक नाम देते हैं सी, दैट इज राइट एंगल. ये राइट एंगल है क्योंकि कोई भी लेंथ y एक्सिस के पैरेलल आती है, इट मींस y एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है. दिस इज आवर राइट एंगल. सबसे पहले बात करते हैं AC की. देखिए कंप्लीट जो ये जो डिस्टेंस है ये x2 है, ये डिस्टेंस x1 है. सो ये जो डिस्टेंस है ये x2 -x1 हो जाएगी. सिमिलरली दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज y1 y2 एंड दिस इज y1, देन दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज y2 -y1. जो ये डिस्टेंस है वो BC हो जाएगी y2 -y1 और जो ये डिस्टेंस है वो AC हो जाएगी x2 -x1. अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ACB. इन ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, दैट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC is x2 -x1 whole square, BC is y2 -y1 whole square. It means AB square is equals to x2 -x1 whole square plus y2 -y1 whole square. And AB, जो कि हमें distance निकालने, that is under root x2 -x1 whole square plus y2 -y1 whole square.
दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला, यह हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको सिर्फ x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है, उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना है, दैट्स इट। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब हम इसके इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बोर्ड में कभी आता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू ड्राइव डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आगे 11th क्लास में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इसके लिए। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। सब अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तीन एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 7 के अंदर, तीन एक्सरसाइज है 7.1, 2, 3। 7.1 जो है कंप्लीट डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस है, 7.2 सेक्शन फॉर्मूले पर, 7.3 बेस ऑन एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चंस करते हैं। सो हैव अ लुक। So now we have two coordinates A and B, and we need to find out the distance between the coordinate A and B. Then what will we do? We will assign A x1 comma y1 is equals to A 2 comma 3, B x2 comma y2 is equals to B 0 comma 8. Now we will apply AB, that will equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 is 0, x1 is 2. y2 is 8 and y1 is 3. Minus 2 whole square is 4. 8 minus 5 whole square is 25. It means root 29. That is our AB, and you need to put unit, because any distance can become in the form of unit. Here we don't know about unit, but हमें unit का word, unit word जो है वो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी unit आ सकती है, that will be kilometer, meter, centimeter, decimeter, so on. So this is the simplest example of distance formula. First example, which is from in which both coordinates are positive. Now I'm taking one positive coordinate and one negative coordinate. Now second example, I'm taking a 2, 3, b -9, -8. First coordinate is positive and second coordinate is totally negative. This lie on first quadrant, this lie on third quadrant. Now ax1 y1 ax2 y2, we need to find AB. Then again, first of all, you need to write formula. x2, now this time x2 is -9, x1 is -2, y2 is -8, and this is -3. -9, -2, -11, -11 whole square, -11 whole square. That is 121, also 121. It means 2 times root 11 root 2. 11 root 2 कैसे है बता देता हूँ आपको फिर से। You can write 2 times 121 in under root, equals to AB. 121 का square root 11 and root 2 unit. So this is a second example. ये बहुत simple examples है जो कभी आते नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, एक example इस तरह से पूछा जा सकता है कि what is the distance जो बोर्ड में भी आ चुका है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इज 0, 0, दैट विल नॉट मेंशन बाय एग्जामिनर। ओरिजिन आपको मालूम होना चाहिए, ओरिजिन जो होता है 0, 0 होता है, इसकी डिस्टेंस क्या है। सो ओरिजिन को हम ओ मान लेते हैं, दैट मींस यू नीड टू फाइंड आउट ए ओ। ए ओ जो 0, 3 होल स्क्वायर प्लस 0.4 होल स्क्वायर, इट मीन 9 प्लस 16, इट मीन रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। आल्सो यू कैन फाइंड आउट बाय द डायग्राम 3.4 यूनिट लाइज हियर। हमें 0.0 से डिस्टेंस निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 4। बाय यू कैन आल्सो अप्लाई बाय पाइथागोरस थ्योरम, एंड यू कैन आल्सो अप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन from origin of this point. इस origin से इस point की distance आप easily find out कर सकते हो। Important questions है, एक नंबर पूछा जाता है कभी-कभी।
ओके नेक्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चंस है ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज बी ए साइन अल्फा एंड बी कॉस अल्फा। हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम वी विल अप्लाई फार्मूला ए बी इज इक्वल्स टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। अगेन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स टू दैट इज ए साइन अल्फा एंड एक्स वन दैट इज ए कोस अल्फा, वाई टू बी कोस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा। Now you have put the value of x2, x1, y2 and y1. Here you cannot subtract a cos alpha from a sin alpha, so you will apply a minus b whole square. Remember one thing, this square will not cancel by this square root and this square also not cancel by this square root. जब आप इसको complete square के form में लिखेंगे, for example इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे, then you can ये जो भी है cancel हो सकता है इसमें से. Now you can say your answer is a plus b, but if you are writing AB is equals to root A square plus B square, that will not equals to A plus B. ये wrong है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा आपको। इसे solve करने के लिए we will apply A minus B whole square. A square minus 2AB plus B square. And here again a square minus 2ab and plus b square. So you have put the value of ab in the formula. After that this and this, whenever you will write together these two terms, then you will take a square common factor cos square alpha plus sin square alpha minus 2a square sin alpha cos alpha. Again this and this term will write together, then you will take b square as a common factor and remaining part is this minus 2b square sin alpha cos alpha. This is equals to 1, this is also equals to 1, reason because sin square alpha plus cos square alpha always equals to 1. So this is a square and this will be plus b square, this and this take minus 2 sin alpha cos alpha as a common factor, then a square plus b square is remaining part. Whenever you will take common factor from this and this term, you will get minus 2 sin alpha cos alpha as a common factor, remaining the a square plus b square. Here also you can say, you can see a square plus b square is coming common factor a square plus b square and remaining part is 1 minus 2 sin alpha cos alpha. अब कभी कभी क्या होता है बच्चे यहाँ तक ही छोड़ के छोड़ देते हैं, यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं, बट ये गलत है क्योंकि इसको आगे भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं करते हैं तो मार्क्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे करने के लिए यू विल टेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फैक्टर, यहाँ तक बच्चे करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसके भी आगे होगा, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। आई एम पुटिंग 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 की जगह वापस से आप ये पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कोस अल्फा। ये जो कंप्लीट है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू, यहाँ होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा and remaining part is root a square plus b square. This is the required answer, means required distance between a and b. So most important question, a question is type ka bhi aa sakta hai jiske andar aapko trigonometry ratio de denge aur kahenge in do ke beech mein distance nikaliye. Aur questions ke bare mein baat karte hain, so you can pause the video and note it. Okay, now we are taking one more example. In this example, you can see all the coordinates are in the form of variable. So, how to find out the distance between A and B? Have a look. सबसे पहले वापस से आपको formula apply करना है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now, AB is equals to x2. x2 is A minus B minus y x1 that is A plus B.
दोनों चीजों को, दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपको ब्रैकेट में लिखना है रीजन, क्योंकि अब आपके पास में दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, वेरिएबल में और यहाँ माइनस बी है, प्लस वाई टू डेट इज सी माइनस बी एंड वाई वन इज बी प्लस सी। नाउ a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी, बाहर माइनस साइन है, इट मींस ऑल साइन विल बी चेंज होल स्क्वायर, प्लस c माइनस बी माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, दिस a एंड a विल बी कैंसिल आउट, अपोजिट साइन नंबर आर देयर, माइनस टू बी माइनस बी माइनस सी माइनस टू बी होल स्क्वायर, प्लस दिस c एंड c विल कैंसिल आउट अगेन, माइनस टू बी होल स्क्वायर, माइनस टू बी होल स्क्वायर इज फोर बी स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फोर बी स्क्वायर, इट मीन एट बी स्क्वायर एंड एट बी स्क्वायर इज रूट टू रूट टू बी, सो ए बी इज टू रूट टू बी यूनिट। दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके सो नाउ वी विल मूव अगेन, सो मेनी मोर क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके नाउ we have one more example file, that is prove that the points a b c d are the vertices of the square, is type of question bhi aa sakta hai jo depend karta hai distance formula pe, to hame is bar ye prove karna hai ki a b c d are the vertices of a square। first of all hum kya karte hain, ek square banate hain, a jo coordinate hai 1 comma 7 b 4 comma 2 c minus 1 comma minus 1 and d is minus 4 comma 4। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम इसको स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करना है देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसके राइट एंगल को चेक करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल का कोई रोल नहीं है, सो आप इसको राइट एंगल नहीं चेक कर सकते। सेकेंड थिंग, हम उसके साइड्स को चेक करते हैं, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाती है इट मीन्स ये स्क्वायर, अदरवाइज स्क्वायर नहीं है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, फॉर्मूला होगा हमारे पास वही सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो AB, दिस इज आवर AB, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर इज 9, 2 माइनस 7 5 होल स्क्वायर इज 25, इट मीन दैट इज इक्वल्स टू रूट 36, दिस इज आवर AB। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट BC, BC अगेन, now this time you not need not to write the formula because already write it, BC 4 minus minus 1 whole square, you can see the coordinate B and C and 2 minus minus 1 whole square, 4 plus minus minus plus 1 whole square, 2 minus 1 plus 1 whole square, again 4 plus 1 5 square, 2 plus 1 3 square, it means 5 square is 25, 2 plus 1 3 square 9, रूट 36, दिस इज द लेंथ ऑफ बी सी। नाउ सी डी, सी डी अगेन माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस फोर होल स्क्वायर, माइनस वन माइनस माइनस प्लस माइनस वन प्लस फोर होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस फाइव होल स्क्वायर, this is also equals to 4 minus 1 3 also 9 plus 25 root 36, this is CD, and similarly whenever you will apply same process to on DA you will also get root 36। so clearly you can see AB equals to BC equals to CD equals to DA, so is this a square, क्या ये square है, नहीं ये भी square नहीं है, क्यों नहीं है उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि चारों साइड इक्वल होने से ये स्क्वायर इसलिए नहीं माना जाएगा, बिकॉज जो रोमबस होता है रोमबस में भी चारों साइड इक्वल ही होती है, ये चारों साइड आपस में इक्वल होती है, तो रोमबस और स्क्वायर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर के डायगनल भी फाइंड करते हैं, हम एसी और बीडी भी फाइंड करते हैं। अगर एसी और बीडी इक्वल आते हैं, इफ दिस टू साइड मीन्स एसी और बीडी मीन्स if you will get AC equals to BD then you can say definitely it is a square, if this will not equals to each other then you will say this is not a square, this is a rhombus।
सो एसी और बीडी निकालने के लिए एसी और बीडी को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एसी और बीडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मैं सॉल्व कर देता हूं जिससे आप एसी और बीडी इजीली निकाल सके। एसी के लिए हम क्या करते हैं, H2 is minus 1, that is also minus 1, plus minus 1 minus 7 whole square. This is 2 whole square, minus 2 whole square, minus 1 minus 7 whole square, 4 minus 8 square plus 64. It means this is root 68 unit. AC is root 68 unit and BD 4 minus minus 4 whole square plus 2 minus 4 whole square. This is equals to 8 whole square plus 2 minus 2 whole square. Root 64 plus 4, it means again root 68. So you can see AC and BD are equal. So now you can say ABCD is a square. Same case for rectangle and parallelogram. अगर rectangle की दो opposite sides equal आ जाती है और ये दो opposite sides equal आ जाती है एंड डायगनल भी इक्वल आ जाते हैं, देन यू कैन से दिस इज रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल के अंदर ओजी साइड तो इक्वल है लेकिन डायगनल इक्वल नहीं है, इट मींस दिस इज ए पैरेललोग्राम। और अगर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं आती है, फॉर एग्जांपल एपी बीसी सीडी डीए चारों ही साइड्स अलग अलग आती है, तो आप कोई स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटर नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल अलग अलग टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक नाम के जो क्वाड्रिलेटर हमें मालूम है उसका तो हमें नाम पता है, वो हम लिख सकते हैं। बट अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं आती, इट मींस दैट इज ए क्वाड्रिलेटर, सिंपल क्वाड्रिलेटर। ओके, सो मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जांपल। सो वी हैव वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आएगा। तो हमें इस बार ये फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पर है। सबसे पहले मैं इस दो पॉइंट्स को डायग्राम से समझा देता हूँ कि किस तरह से आपको पॉइंट फाइंड करना है। दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले -2.5 यहाँ पर कहीं पर भी होगा क्योंकि x जो है नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इट मींस वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एंड 2, -3 यहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर 2, -3 यहाँ होगा क्योंकि x पॉजिटिव y नेगेटिव। इन दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके जा रही है। और हमेशा याद रखना कि x एक्सिस की बात करते हैं, इट मींस वहां हमेशा y जीरो होता है। इफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, इट मींस ऑन x एक्सिस y इज ऑलवेज जीरो। y जीरो बट x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमें फाइंड करनी है। y ऑलवेज जीरो। इस तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर y एक्सिस की बात करें तो दिस इज योर y एक्सिस, ये y एक्सिस है और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x तो जीरो होगा, y क्या होगा, y होगा। तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर x एक्सिस है तो x, 0 कोऑर्डिनेट लोगे, y एक्सिस है तो 0, y लोगे। ये अगर आप बनाते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर, अगर आप नहीं बनाते हैं तो कोई ज्यादा कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। ये अभी समझाने के लिए सब कुछ है बस। मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो है x, 0, वो a यानी कि -2.5 एंड b 2, -3 से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डायग्राम को बनाना पड़ेगा, अगर आप नहीं बनाते नंबर कट जाएंगे। इट मींस दिस पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a एंड दिस पॉइंट p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b। जरूरी नहीं है आप इसी तरह से मैप p यहां ले सकते हैं, a और b यहां ले सकते हैं, p यहां पर आप ले सकते हैं, a यहां ले सकते हैं, b यहां ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट दिस इज अ सिंपल मेथड, सो यू कैन आल्सो डिजाइन दिस डायग्राम लाइक दिस। सो ऑलरेडी सेड टू यू दैट pa एंड pb आर इक्वल। ऑलरेडी आपको ये कहा हुआ है कि p और pb इक्वल है। जब दो लेंथ आपस में इक्वल है, इट मींस उनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। अब डिस्टेंस, pa इज डिस्टेंस, pa ऑलरेडी डिस्टेंस है, pb भी डिस्टेंस है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर में लिखेंगे कि ऑलरेडी हमने स्क्वायर किया। एंड सिमिलरली pb x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको भी आपको स्क्वायर में ही लिखना है। स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हियर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर इज 25, हियर x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9। अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x
सॉरी 4x प्लस 4 एंड प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9 x स्क्वायर एंड 4 विल बी कैंसिल आउट रिमेनिंग पार्ट इज 4x प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 9 ट्रांसपोज 4x इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोज 25 राइट हैंड साइड 9 माइनस 25 8x equals to minus 16 and x equals to minus 16 upon 8 x equals to minus 2 so the coordinate is minus 2 comma 0 this coordinate must be equidistant from a and b इस तरह का क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चन पे आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आपके 2-3 मार्क्स विल बी डिडक्ट 2-3 नंबर कट जाएंगे तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये एक पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले पे टॉपिक था पूरा पूरा अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डिस्टेंस फॉर्मूले पे आपको नहीं आता है देन यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करिए सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो ये पूरा का डिस्टेंस फॉर्मूले पे टॉपिक था हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो सेक्शन फॉर्मूला होगा उस पर हम किस तरह से काम करते हैं उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला के लिए सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक यू